लो भाई, एक परेशानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी परेशानी आ गई। थोड़ी सी खुशियां आ ही तो रही थी अभी। चलिए मैं बताती हूँ कि मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ। दरअसल कि काव्या बंसल बड़ी मुश्किलों के बाद आदि, उनकी मदर, सभी के कहने सुनने समझाने के बाद कैसे भी तो करके जयदीप सर माने थे और बोले थे कि हाँ ठीक है, काव्या बंसल बसंत खेड़ी जा सकती है, वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। क्योंकि मिस्कट ने कुछ ऐसा किया, आदि ने कुछ ऐसा किया जिससे जो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर ने ऐसे सवाल पूछ दिए कि अब सर के पास कोई जवाब ही नहीं था देने को। तो सर को फाइनली ये कहना पड़ा कि ठीक है भाई, तू चल बसंत खेड़ी। लेकिन बसंत खेड़ी के रास्ते में ये जो दोस्त है इनका, हेमंत, यार इसका नाम क्या है, इसको क्या चुल मची थी ये बताने के लिए कि ये जो इंसिडेंट है वो मेरी वजह से हुआ है, मतलब मैंने वीडियो लीक करी थी, इसने बता दी। अब काव्या को बड़ा अच्छा फील हुआ कि बताओ यार, ये लड़का कितना अच्छा है, मिस्कट की, मिस्कट इन द सेंस आदि, कितना अच्छा लड़का है कि उसने इस बच्चे को बचाने के लिए, यानी कि हेमंत को बचाने के लिए, यार इसका नाम शो में क्या है मुझे नहीं पता, रियल नेम उसका हेमंत है, तो उसको बचाने के लिए उसने खुद के ऊपर ब्लेम ले लिया और ये सारा इंसिडेंट हुआ। वो जाती है आदि के पास कि अब मैं इससे अच्छे से बात करूंगी, खुश रहूंगी इसके साथ। ले भाई, तब तक शुभ का कॉल आ जाता है। मतलब शुभ, इतने दिनों से तुम कॉल नहीं कर रहे थे, तुमने एक बार भी हालचाल नहीं लिया काव्या का, अचानक से तुम्हें काव्या की याद आ गई, अजीब हाल है। अब ये ट्रायंगल बनाना जरूरी है? तुम तो निकल गए थे ना काव्या की लाइफ से, तो निकल जाओ। अब कम से कम वो दोनों आपस में खुश हो रहे हैं, अच्छे से हो, मतलब एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छा फील हो रहा है एक दूसरे के लिए, तो होने दो ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत है। लेकिन भैया, शो आगे कैसे बढ़ेगा कहानी तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा एक दिक्कत खत्म नहीं हुई कि दूसरी सामने आके खड़ी हो गई। तो अब शो में काव्या बसंत खेड़ी जाएंगी, लेकिन अब बनेगा लव ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल में होंगे शुभ मिस्कट और शुभ आदि और काव्या। देखते हैं फिर क्या कुछ होता है। वैसे जो ट्रायंगल वाला मामला होता है वो बड़ा ही पेचीदा होता है। हो तो ये है पूरी कहानी आज की। और आज की कहानी मैं क्या ही रिव्यू करूं, क्योंकि आज बस वही जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना हुआ है। वही जो काव्या की मदर है वो परेशान हो रही है कि क्यों जा रहा है बसंत खेड़ी, जब हमने एक बेटी को अपने वहीं गवा दिया, तो उसी गांव में फिर हम क्यों जा रहे हैं, क्यों अपने जो हमारे पुराने दुख दर्द हैं उसको फिर से जिंदा करने जा रहे हैं। तो वो एक माँ का डर है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जगह पे ठीक भी है, क्योंकि माएँ हमेशा डरती हैं कुछ बुरा होने से। वो सोचती हैं कि ये चीज़ को हम हाथ ही ना लगाएं कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा हो, तो इसलिए वो माँ डर रही है, तो उसका डरना बनता है। लेकिन काव्या ने भी ठाना है कि भाई उसे अपनी बहन को इंसाफ दिलाना है, तो वो बसंत खेड़ी जाएगी और वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाएगी। और जो आदि की मदर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी है, क्योंकि वो खुद भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुकी है। लेकिन उसको अपने पति यानी जो नेताजी हैं, तो नेताजी से डर है, क्योंकि भाई नेताजी हैं तो देखने में ऐसे ही कि शायद उनको टॉर्चर करते होंगे नेताजी, तभी वो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, मतलब खुद से उन्होंने रिज़ाइन किया जाके आईएएस के पद को। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि जब इतनी मेहनत करके कोई आईएएस बने और उसके बाद जाके उसको रिज़ाइन कर दे, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो सब कुछ सामने बहुत जल्द आएगा, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये मिस्कट और काव्या, ये दोनों जब साथ में आ ही रहे थे तो शुभ को आने की क्या ज़रूरत थी। अब शुभ तुम साइड में हो जाओ, लेकिन शुभ को भी तो दिखाना है ना शो में। तो ये सारी कहानी है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं मेरे पास। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी आप बोलिएगा कि क्या जो मैंने ये इतने ट्रायंगल वाली बात की, आपको भी ऐसा ही लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।